अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक अकाउंट नॉर्मल व्हाट्सएप में हो जाएगा और दूसरा अकाउंट व्हाट्सएप बिजनेस में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप व्हाट्सएप में ही दो अकाउंट चला सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप बिजनेस का भी यूज करेंगे तो चार अकाउंट चला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दो अकाउंट की बात करूँगा, सिर्फ एक व्हाट्सएप में। और मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके नहीं बताने वाला हूँ कि आप यह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोई APK फाइल डाउनलोड करिए तो फिर जा करके आप दो अकाउंट को यूज कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप में ही ऐसा सेटिंग दिया है और आपके मोबाइल के सेटिंग में ही ऐसा सेटिंग दिया है जिसे ऑन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही एक ही व्हाट्सएप में दो अकाउंट चला सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम है विकास मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विकास मैनेजमेंट। सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जो आपका प्राइमरी व्हाट्सएप है उसको आपको ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो सिंपली आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐप क्लोन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐप व्हाट्सएप का एक क्लोन बन चुका है और इसमें आप नया मोबाइल नंबर इंटर करके एक नया व्हाट्सएप ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करके आप नया व्हाट्सएप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपका नया फ़ोन है तभी आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, वरना यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर सेटिंग में जा करके ऐप क्लोन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐप क्लोन। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन में क्लोन का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। यदि आपके फ़ोन में, यदि आपका फ़ोन पुराना है, ऐप क्लोन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर ऐप क्लोन सर्च करेंगे और यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जिसका आप यूज करके आप ऐप क्लोन का यूज कर सकते हैं।